ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर्मदाये नमो प्रातः नर्मदाये नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भवसागरात् नर्मदापुरम सुविख्यातम् रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवती नर्मदा का स्मरण करते हुए चलिए आगे हम चलते हैं। नर्मदा परिक्रमा के अंतर्गत सूरजवर ग्राम, उसके बाद में रामपुरा गांव आया। अब सूरजवर ग्राम में आपने अभी सप्तमातृकाओं की कथा और भगवान शिव के गण जो मुंड नाम के थे, जहाँ मुंडेश्वर की स्थापना हुई, और यहीं जो थोड़ा आगे चलते हैं रामपुरा गांव आता है। इस रामपुरा गांव में भी एक गण की बात और हम करते हैं, एक गण की कथा और सुनाते हैं। वो कौन से गण हैं? और वो भगवान शिव के प्रधान गण हैं और उनका नाम नंदीश्वर भगवान है। वो कथा सुनिए आप नंदीश्वर की। यहाँ पर भैया एक अनडवाही नदी बहती है, जरा अटपटा नाम है पर भैया जैसा भी नाम चला आ रहा है वैसे ही हम लोग भी ले रहे हैं। अनडवाही नदी का संगम हुआ है भगवती नर्मदा से यहाँ पर। तो इस संगम पर इसकी कथा क्या है? यहाँ पर नंदी बाबा की कथा है। सुनिए वो कथा क्या हुआ भाई नंदी बाबा के साथ। शैनित से श्री शिव शिवा शैनित थे श्री शिव शिवा नंदी पहरेदार द्वारे पर निश्चरों ने आकर दी ललकार। एक बार की बात है कि भगवान शिव और शिपार्वती जी शयन कर रहे थे और सब इस बार जो है कौन पहरा दे रहे थे? इस बार पहरे पर भैया नंदी भगवान थे, नंदीश्वर थे। अब ये नंदीश्वर जब पहरे पर थे तो कुछ राक्षसों ने आकर के हल्ला बोल दिया, ललकारने लगे। अब इन्होंने मना किया कि भाई देखो हमारे स्वामी जो है सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। पर वो कहाँ मानने वाले थे, कुछ नहीं बोले, जगाओ हम युद्ध करना चाहते हैं। और राक्षस लोग तो कभी कभी जो भैया मदमस्त हो जाते हैं शराब पी करके, और आप जानते हैं कि शराब जो है हमेशा जीवन को कष्ट में डालती है, बड़ी दुखदाई होती है। कहा गया ना अपने आगे कोटक छप्पन यादवा मद पी कर भय नष्ट, या से मद मत पीजियो सदा देगो कष्ट। तो ऐसे मदमाते जो है राक्षस लोग आकर के भिड़ गए। अब नंदी बाबा ने बहुत मना किया कि भैया मान जाओ, अभी मान जाओ, तो पर नहीं माने तो युद्ध हुआ भैया, भयंकर युद्ध हुआ। और भगवान शंकर भी जाग गए, इस बीच में क्या हो रहा है भैया, काय का हल्ला हो रहा है। नंदी देखा गया, अरे नंदी तो कुछ राक्षसों से लड़ रहे हैं। आप देखिए कथा आगे चलती है कि शैनित थे श्री शिव शिवा नंदी पहरेदार द्वारे पर निश्चरों ने आकर दी ललकार। नंदी ने डाटा फटकारा दैत्यों के खोलने लगे द्वारा। नंदी ने डाटा फटकारा दैत्य खोलने लगे द्वारा। माने नहीं बहुत समझाया तब नंदी ने रोष दिखाया। मार मार कुछ दैत्य भगाए कछुक वहीं पर मार गिराए। खूंद खूंद धरती कर डारी हुआ वहां पर गड्ढा। और वो सब राक्षसों को मार मूर के भगा दिए। भगवान देख रहे हैं यार ये बार नंदी क्या युद्ध कर रहा है, किंतु नंदी तो कभी पूंछ ऊंची कर रहा है अपनी, वो कुछल रहा है, कूद रहा है और बार बार अपने खोरों से लेकर के धरती खोद रहा है। तो भैया कहते हैं कि उस समय जो ज़्यादा उन्होंने धरती वो बार बार खोदा ना, आपने देखा ना सांड लोग किस प्रकार से धरती खोदते हैं, तो वहाँ एक गड्ढा हो गया। अब देखिए खूंद खांद धरती कर डारी हुआ वहां पर गड्ढा भारी। नंदी गेह सोएद था आया नंदी देह है भैया गेह नहीं, गेह यानी तो घर हो जाता, देह से शरीर से। नंदी देह सोएद था आया और गड्ढा जल में आन समाया। नंदी बाबा के इतना परिश्रम किया ना, तो परिश्रम से पसीना बहा। अब नर्मदा जी तो आप जानते ही, नर्मदा जी की भगवान शिव की पसीना से उद्भूत मानी जाती है नर्मदा जी, पर यहाँ देखिए नंदी बाबा का जो पसीना बहा तो उससे भी गड्ढा भर गया। और वहां भी उस गड्ढे में नदी अनडबाही कहलाई और इसे नर्मदा ने अपनाई। वहां से जलधार बह गई। कुछ लोग तो यहाँ भी कहते हैं सरस्वती मैया भी आ गई थी उसमें,
समाहित हो गई थी। और जब समुद्र में उसमें उस गड्ढे में समुद्र जैसा बन गया था, गड्ढा बड़ा गड्ढा हो गया था, उस गड्ढे में से जो जल बहा आकर के नर्मदा जी में मिला, और वही भी जो जल है उसको ही जो नदी के रूप में बह गया, उसे अरडवाही नदी कहा गया। तो इस प्रकार से नंदी बाबा के शोध से भी एक नदी का उद्गम हुआ। यह कथा भी बड़ी विचित्र कथा है। देखिए यह कथा बहुत कम लोगों को जानकारी होगी इसकी, कि भगवान शिव के शोध से ही नहीं और नंदी बाबा के शोध से भी एक नदी का उद्भव हुआ है। तो इस प्रकार से यह जो है अनडवाही नदी संगम की कथा, भगवान नंदीश्वर की कथा हमने आपको सुनाई। देवों ने वंदन किया गाया नंदी गान, और तब से ही इस तीर को मिला तीर्थ सम्मान। उमापति महादेव की जय। साहब भी हम सब लोग एक साथ बोलें हरा हरा नर्मदे हर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।